मेरा नाम सुशील सुनो भोमपाल, गांव उमरपुर का मैं रहने वाला हूं। हमारी ज़मीन शेरगढ़ टापू के पास हमारे गांव से कम 5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और जो पहले भी हमारी ज़मीन लॉकडाउन के वजह से हमारी वाली पुलिस पर है, हमें जान नहीं देती एक दो आदमी से ज़्यादा, तो पहले भी वहाँ एक दो बार झगड़ा होया, उसकी हमने दो एफ आई आर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी। तो हम गेहूँ कटवाने के उसमें SDM साहब के यहाँ भी गए, SDM साहब ने थाने के लिए लिख दिया, थाने वालों ने जांच के लिए राजस्व विभाग के लिए लिख दिया, दरोगा जी भी मौके पर गए, दरोगा जी ने भी लिखा उसमें कि गेहूँ की फसल तमने पर रखी, हमने सब वीडियो सब बनाई हुई थी, तो इस वजह से हम पर जा नहीं सकते। और मैं 10-12 आदमी हमारी फसल काट ले गए, जब हमें सूचना लगी थी तो जब तक हम गए पुलिस पर भी सूचना करी, पुलिस गई मौके पर, जब तक हमें फसल काट के जा चुके थे, 10-12 आदमियों के नाम हमने तहरीर दी थाने में, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। काट ली और बेच डाले हरियाणा के में बेच दिए। नहीं, ये देखिए, आज मैंने पेपर में पढ़ा है तो इसमें हम लोग पहले जांच करा लेंगे, जांच कराने के बाद जो नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी वो करा दी जाएगी। जिन्होंने जिन पर आरोप है उनके ऊपर पहले से भी कई धाराओं में मुकदमे हैं। अभी मैंने बताया, अभी केवल हम लोगों को अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, जो भी पक्ष हैं उस सभी पक्षों की बात हम लोग सुनेंगे, तथ्यों की जाँच कराएंगे, तथ्यों की जाँच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो करा दी जाएगी।